वह मेरे लिए पिता तुल्य है, ऐसा बोल रहे हैं भाई मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी तिलक वर्मा। तो तिलक वर्मा आजकल देखे तो उनका बल्ला चल रहा है, और कल के मैच में भी देखे तो इन्होंने बल्ला अपना चलाया था। ये सारे बल्ले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी और अपने टीम में सबसे ज़्यादा रन मारने वाले खिलाड़ियों में से एक थे। और जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि रोहित शर्मा के बारे में बताइए, तो उन्होंने बताया पहली बात तो वो काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज है और मेरे लिए वो पिता के तुल्य है, यानी पिता समान मानते हैं वो रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने पिछला मैच जो था वो 200वां मैच खेला था अपना, हालांकि उस मैच में इनका नंबर उतना नहीं चला था, मतलब कि रन उतने नहीं किए थे इन्होंने, लेकिन वो मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। आईपीएल की बात की जाए तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच किसी टीम के लिए विराट कोहली ने खेला है 239 मैच, और दूसरे नंबर पर धोनी है जिन्होंने 221 मैच खेला है, और रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर है जिन्होंने 200 मैच खेला है। और अब तक बात करें तो अब तक आईपीएल में रोहित शर्मा ने 245 मैच खेले हैं, जिसमें से 200 मैच उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेला है और 45 मैच डेक्कन चार्जर्स के लिए खेला है। 2009 में देखें तो डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेलते वो उनकी टीम चैंपियन भी बनी, फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस में आए तो उन्होंने 5 कप जिताया। तो ऐसा देखें तो इनका इतिहास रहा है, और इनके जो प्लेयर हैं, इनके जो जूनियर प्लेयर हैं, इनकी तारीफ करते थकते नहीं है, इनको पिता तुल्य मानते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा सुनकर, बाकी आप बताए। और रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों में से बेहतर कप्तान कौन है, ये आप ही बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी खबरों के साथ। जय हिंद।